पहली बात तो जो उद्धव साहब जैसे सीएम आज महाराष्ट्र को फिर से मिलना पॉसिबल नहीं है, तो जो लॉकडाउन में उन्होंने सबको साथ में लेके चले, माइनॉरिटी को चाहे कोई भी कास्ट कोई भी कम्युनिटी का रहे सबको लेके चले, आज जब उनको अपनी ज़रूरत है तो अपने को सबको मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा सब आगे आओ और उद्धव साहब को एक मजबूती से खड़ा करो। इसलिए यही मेरे एक ये आशा है कि मैं एक सोशल वर्कर, आप सब जानते हो इतने साल से मैं सोशल वर्किंग करते आ रहा हूँ, एंड अब टाइम है क्या उनको अपनी ज़रूरत है तो सब आगे आओ और उनको एक मजबूती दो, बस यही मैं चाहता हूँ, इसलिए मैं शिवसेना ज्वाइन किया हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मुस्लिम समाज के लोग ज़्यादा शिवसेना में जुड़ रहे हैं और आपके माध्यम से भिवंडी में लोग जुड़ रहे हैं, क्या कहेंगे इस संबंध? पिछले 20 जून से आप सबको मालूम है कि पूरे महाराष्ट्र में जो राजनीति में उथल पुथल हुआ है, उसके बाद क्योंकि शिवसेना का सिंबल तक बदलने की नौबत आ गई, लेकिन आज भी लोगों का विश्वास जो है शिवसेना पर है। और आज हमारे जो शिव अल्पसंख्यक सेना जो है इसके माध्यम से हमारे तीनों पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, इनको आज पद दिया गया है पूर्व में और पश्चिम में। निश्चित रूप से शिवसेना के ऊपर लोगों का विश्वास बढ़ा है और ख़ास करके हमारे मुस्लिम भाई जो है बहुत ज़्यादा पैमाने पे जुड़ रहे हैं। इसी तरह से जो बहुत सारे हमारे अम्बेडकर विचारों के लोग हैं जिन्होंने संविधान को अपना माना है, ऐसे सभी लोग आज उद्धव साहब के नेतृत्व पर विश्वास रखे शिवसेना में शामिल हो रहे हैं। आने वाले समय में जबकि शिवसेना का निशान तीर कमान था, आज मशाल है और ये मशाल जो चिन्ह मिलने के बाद अच्छी शुरुआत हुई है। कल जैसे कि ग्राम पंचायत के इलेक्शंस थे उसका नतीजा भी बहुत ही अच्छी तरह से आया है, जबकि इतने बड़े पैमाने में पक्ष में फूट होने के बाद भी ग्राम पंचायत में बहुत सारे सरपंच और सदस्य जो है शिवसेना के चुन के आ गए, उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के शिवसेना के चुन के आ गए। और क्योंकि अंधेरी के बाई इलेक्शन आप सबको मालूम है, वहाँ पर भी जीत तो पक्की है, जबकि बीजेपी का कैंडिडेट था, वो बीजेपी के कैंडिडेट ने भी वहाँ पर अपना फॉर्म पीछे लिया है। इसका मतलब शुरुआत अच्छी है और ये शुरुआत जो हुई है उसमें सब लोग शामिल हो रहे हैं। निश्चित रूप से जिन जिन लोगों ने शिवसेना के ऊपर विश्वास रखा है हमारे तीनों पदाधिकारी जो है, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और जो विश्वास आप लोगों ने रखा है कि शिवसेना में आने के बाद अच्छे काम हो सकते हैं, वो अच्छे काम करने का काम हम सब लोग निश्चित रूप से करेंगे और ये लोग जो है अपने अपने स्तर पे वहाँ पर अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। दादा, एक सवाल है कि जैसा युवा सेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरे साहब ने बताया कि बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी है जो एक्टिव नहीं रहते और ऐसे बहुत सारे नए लोगों को उनकी जगह देने के लिए कहा गया है, तो क्या जो ऐसे लोगों को आप जो एक्टिव है उन लोगों को आगे लाने का काम करेंगे और समाज में जो काम होना चाहिए उसके लिए क्या एक्टिविटी अपने भिवंडी में होगी? निश्चित रूप से जो लोग पक्ष में अच्छा काम कर रहे हैं उनको जो है अच्छा प्रमोशन देकर उनको और बड़ी जिम्मेदारी देने की कोशिश आदित्य साहब हो चाहे उद्धव साहब हो वो निश्चित रूप से करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत से लोग पूरी तरह से एक्टिव है और अच्छा काम कर रहे हैं, और जो लोगों को वो जिम्मेदारी देने के बाद भी काम नहीं करते ऐसे लोगों को निश्चित रूप से उनको बाजू में करके वहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं उनकी नियुक्ति वहाँ पर की जाएगी। और भिवंडी के बारे में आप सबको पता है कि पिछले 10-15 सालों से जो कि भिवंडी की हालत कुछ और थी, अभी जो दिख रही है वो कुछ और है, लेकिन ये सब करने में बहुत सारी मेहनत लगी, बहुत सारा जो कि सत्ता में उस टाइम कांग्रेस थी उसके बाद में बीजेपी आई थी, लेकिन सबसे लड़ झगड़ कर हमने भिवंडी के विकास के लिए बहुत सारा काम किया है। आज भी वो काम भिवंडी में दिख रहा है और शुरू है, जबकि बहुत सारे लोग अभी नए से बोल रहे हैं कि हमने ये किया वो किया, लेकिन उनको बताने की ज़रूरत पड़ती है, हमको हमारे काम गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि लोगों को पता है कि ये काम किसने किया है। और आज भिवंडी का जो चेहरा है वो बदला हुआ दिख रहा है, इसका कारण निश्चित रूप से शिवसेना पार्टी और वहाँ पर जो हमारे पक्ष के जो नुमाइंदे है या जो पता लोक प्रतिनिधि है उन्होंने किया है। मैं खुद 10 साल MLA रहने के बाद भिवंडी का अच्छा विकास करने का काम हमने किया, चाहे वो IGM हो, चाहे रोड रास्ते हो, चाहे ब्रिज हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे शिक्षा का स्थान हो, हम हर जगह हमने काम किया है और कहीं पर भी किसी तरह का मतभेद ना रखते हुए, ना हिंदू मुस्लिम इस तरह का कुछ ये रखते हुए सबको साथ में लेके भाईचारे का काम हमने किया। उस वक्त
हमने जिस तरह मंदिरों में काम किया उसी तरह मस्जिदों में किया, जिस तरह स्मशान भूमि का काम किया उस तरह हमने जो है कब्रिस्तान का भी काम किया। मतलब जिस चीज़ की आवश्यकता है वो सब करने का काम हमने निश्चित रूप से किया हुआ है, और इसके लिए लोग जो है आज भी वो काम के वजह से हमसे जुड़ रहे, शिवसेना पक्ष से जुड़ रहे। मैं सबका स्वागत करता हूँ और सबको जो है साथ में लेकर आने वाले समय में भी भिवंडी का अच्छा विकास करने का काम। भिवंडी के 25 विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया, इस पर आप क्या कहें? जय महाराष्ट्र, मेरा नाम है सादिक शेख, मैं भिवंडी लोकसभा का अध्यक्ष शिवसेना का। जुनेद भाई जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त है, बहुत अच्छे खासे समाज सेवक है, उनका समाज कार्य देख के हमें इनको पद दिया है भिवंडी पश्चिम विभाग विधानसभा विभाग का, और हमको उम्मीद है कि अच्छा काम करेंगे और हमारी पार्टी के लिए कुछ करेंगे। कि आज उद्धव साहब की कमी हमें महसूस होती है कि उद्धव साहब जिस तरीके सीएम थे आज तक हमने उसका सीएम देखा नहीं है, और हमें उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह ताला हम उनको वापस से सीएम बनाएंगे और हमारी एकजुट दिखाएंगे। इसी तरह हमने विपूर्व विभाग का कामगार विभाग अध्यक्ष श्री जयदीन पटेल साहब को पद दिया गया है, जिसमें और इनका कामगार का जो है इन्होंने पहले से कामगार का नेतृत्व करते हैं और आगे भी करेंगे हमारी पार्टी के अंदर रहकर, और हमारे पार्टी को सपोर्ट पहुंचाएंगे। हम उम्मीद करते हैं हमारे दोनों कार्यकर्ताओं से, हमारे पदाधिकारियों से, कि हमारे जो है पार्टी को सपोर्ट देंगे और आगे हमारे जो है हमारे साथ में हमेशा रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सोशल वर्कर और आपको बहुत सी पार्टियों से ऑफर आए थे, तो आपने ये पार्टी क्यों चुनी? सबसे पहले तो मैं सादिक भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे को इस काबिल समझा। सबसे पहली बात तो जो उद्धव साहब जैसे सीएम आज महाराष्ट्र को फिर से मिलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो लॉकडाउन में उन्होंने सबको साथ में लेके चले, माइनॉरिटी को चाहे कोई भी कास्ट कोई भी कम्युनिटी का रहे सबको लेके चले। आज जब उनको अपनी ज़रूरत है तो अपने को सबको, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा सब आगे आओ और उद्धव साहब को एक मजबूती से खड़ा करो। इसलिए यही मेरे एक ये आशा है कि मैं एक सोशल वर्कर, आप सब जानते हो इतने साल से मैं सोशल वर्किंग करते आ रहा हूँ, एंड अब टाइम है क्या उनको अपनी ज़रूरत है तो सब आगे आओ और उनको एक मजबूती दो, बस यही मैं चाहता हूँ, इसलिए मैं शिवसेना ज्वाइन किया हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।